So hello friends, welcome back to our channel Super Knowledge Point, and we discuss about Kriya. So guys, I hope you like this video and share your friends and subscribe my channel and hit the bell icon, get you all notifications for about videos. और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में. क्रिया क्या होती है और क्रिया के कितने प्रकार होते हैं और क्रिया में जो अकर्मक और सकर्मक होती है उसको मतलब हम लोग कह जाने कि उसमें कौन सा वर्ड और कौन सेंटेंस अकर्मक है या फिर सकर्मक है, उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा. तो टाइम न वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. नाउ क्रिया क्या होता है, व्हाट इज अवर क्रिया. क्रिया क्या होता है, इसे हम लोग, आप अगर इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे मतलब कि ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे क्रिया का मतलब होता है वर्ड. चाहे आप इसे इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी ग्रामर, इन दोनों में से ये दोनों का है. तो यहाँ पे फिर हमारा आता है, आप लोग जैसे गार्डन गए होंगे बगीचे में, तो बगीचे में आप लोग देखते होंगे कुछ लोग मतलब कि वहाँ एक उद्यान है, मतलब कि वो पूरा बगीचा है, वहाँ पे दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और कुछ मतलब कि और एक बच्ची दौड़ रही है और जो माली है वहाँ पे वो पौधों को पानी दे रहा है और कुछ बच्चे छोटी बच्ची दौड़ रही है, यहाँ पे छोटी बच्ची दौड़ रही है, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे कि हमारा हो गया क्रिया के कितने पार्ट होते हैं. क्रिया के हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक. अभी आप लोग ये सोचें अकर्मक मतलब क्या होता है, कई बार हमें ये नहीं पता चलता है कि अकर्मक का मतलब क्या होता है और सकर्मक का मतलब क्या होता है. अभी आपने एक शब्दों के लिए एक वाक्यांश के बारे में सुना होगा, तो वहां पे होता है जिसे कुछ ना आता हो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अज्ञानी. तो वहां पे आ का मतलब है उसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी का मतलब कि उसे ज्ञान नहीं है. तो यहाँ पे अकर्मक है, इसका मतलब कि उसमें कर्म नहीं है. आ का मतलब नहीं और कर्म का मतलब, कर्म मतलब कि जो मां बीच में, इसका मतलब कर्म. तो यहाँ पे नहीं कर्म मतलब कि जो हम वर्ड लिखेंगे वो उसमें हमारा कर्म नहीं हो, वो हमारा अकर्मक होता है. और सा मतलब सही कर्म. तो यहाँ पे जिसमें हमारा कर्म हो वो हमारा क्या होता है, सकर्मक. तो ये बहुत ज्यादा इजी वे है जिससे आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ सकता है. तो क्रिया क्या होती है, जो पद किसी कार्य को करने या होने का बोध कराता हो उसे क्रिया कहते हैं. जैसे कि हमारा देख प्लस ना, तो ये हम लोग को मिलके क्या बना, देखना. तो ये जैसे आप लोग अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, ये हमारा क्या क्रिया हुआ. फिर वो बच्ची खेल रही है, जैसे हमारा क्या वर्ड है, वो बच्ची खेल रही है. तो यहाँ पे वो बच्ची खेल रही है. तो आप लोग कैसे जाने कि हमारा अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है. चलिए पहले हम लोग क्रिया के बारे में मतलब क्रिया क्या होता है इससे थोड़ा समझ लेते हैं. जैसे कि जो काम मतलब कि कोई काम है जो पद किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए वह क्रिया कहलाता है. जैसे अभी आप उठ रहे हैं, सोने के बाद आपकी कोई क्रिया नहीं, आप सो रहे उसके बाद आपकी कोई क्रिया नहीं होगी. सोना भी एक कोई क्रिया, सोना एक क्रिया होती है क्योंकि अगर आप सोएंगे तो फिर भी एक क्रिया होगी, लेकिन वो हमारा कर्ता और कर्म में नहीं आता. जैसे आपकी देखा आप सोने जा रहे हैं, तो आप मैं सो रहा हूँ, तो फिर ये जो सो रहा है ना वो करता है, वो हो जाएगा अकर्मक. जैसे कि हमने अभी वो बच्ची खेल रही है, अभी आपको इसमें खेल क्या है, क्रिया है, ये क्या है हमारा, क्रिया है. अब बच्ची क्या है हमारा, बच्ची हम लोग का करता है, मतलब कि जो कर रहा हो वो हमारा करता होता है और जो चीज वो कर रही हो वो हमारी क्रिया होती है. जैसे कि हमारी खेल क्या है, वो एक क्रिया है. फिर हमारा रही, वो और रही कुछ नहीं है. यहाँ पे बच्ची करता हो गई और खेल एक कर्म हो गया.
अब आप बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा दें कि वो अकर्मक, हमें जो बड़ा सेंटेंस जो पूरा बना हुआ है ये क्या है, ये इतनी समय एडवर्ब इतनी समय, ये हमारा सकर्मक है, लेकिन हम लोग इसे अकर्मक कैसे बनाएं, मतलब कि अकर्मक है और सकर्मक इसे कैसे बनाएं। यहाँ पे वो बच्ची फुटबॉल खेल रही है, आप यहाँ पे क्या लिख दें, फुटबॉल, मतलब कि आप यहाँ पे जिस चीज कोई चीज जैसे भी मैं अभी लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ ये हमारा अकर्मक होगा, लेकिन मैं मार्कर से लिख रही हूँ ये हमारा मार्कर जो है वो कर्म हो जाएगा, मैं मतलब मैं लिख रही हूँ लिख एक करता हो जाएगा और मैं तो एक करता हूँ ही, जैसे कि आप लोग ये भी लिख सकते हैं आर्या मार्कर से लिख रही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ तो फिर लिखने के बाद आप यहाँ पे कर्म गायब हो जाएगा या कर्मक हो जाएगा। फिर जैसे वो बच्ची खेल रही है, वो क्या खेल रही है ये आपको नहीं पता, जो खेल रही है वो हम लोग क्या है, जैसे वो बच्ची फुटबॉल खेल रही है, तो ये हमारा पहले इतना था, इतना क्या था, अकर्मक था, लेकिन अगर वो फुटबॉल ऐड कर रही है, आप क्रिकेट बैडमिंटन और चेस कुछ भी लूडो स्नैक एंड लैडर कुछ भी से लिख दीजिए, लेकिन वो किसी कार्य जो कार्य वो कर रही है उसमें किस चीज, मतलब कि जो चीज है उसका यहाँ पे अगर उसमें वो लिखा हो कर्म हो तो वो हमारा क्या होता है, सकर्मक किया सही कर क्रम। तो यहाँ पे नहीं कर्म मतलब कि यहाँ पे कर्म नहीं था तो यह कर्मक था। फिर कुछ बार हमारे पास कर्म होते भी हैं, मतलब कि कर्म होने के बावजूद भी अकर्मक होते हैं वो, कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कुर्सी रखी है, अब रखी बहुत सारी कुर्सी हम लोग क्या हो गया, कर्म हो गया, रखी है वो हम लोग का क्या हो गया, वो हमारा क्रिया होगा, लेकिन आप उसमें कर्म इसलिए आप कहेंगे सकर्मक है, लेकिन नहीं, वहां पे कर्ता तो नहीं है ना, मतलब जो कर रहा हो वो नहीं है, इसलिए दैट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा क्रिया के एक बार लोग इसका रिकैपिशन कर लेते हैं, क्रिया जो पद किसी कार्य को करने या होने का बोध कराए वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, जैसे कि हमारा वो बच्ची खेल रही है, यहाँ पे बच्ची जो है वो करता है, खेल है हमारा क्रिया, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये वर्ड ये सेंटेंस हम लोगों का अकर्मक है, लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि वो बच्ची फुटबॉल या फिर क्रिकेट या फिर एक्सेट्रा कुछ, मतलब कि वो बच्ची लूडो खेल रही है, लूडो हमारा कर्म हो जाएगा, इसलिए जब उसमें कर्म हो तो वो हमारा क्या होगा, सकर्मक किया। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्रिया है, मतलब कि क्रिया का जो अभी तो यहाँ पे इसके कुछ बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो इसमें जो चार पार्ट्स हैं तो इसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। सो गाइस मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसके टाइप के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।